तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, आई होप कि इसका आंसर सभी को याद होगा कि अज्यूम अर्थ इज सॉलिड स्फीयर ऑफ डेंसिटी यूनिफॉर्म है, और उसमें हम एक बॉल गिरा देते हैं, और इट इज पाउंड ए पार्टिकल एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये सबको पता है, मास ऑफ द बॉल यहाँ पे दिया हुआ है, मास ऑफ द बॉल इज इक्वल टू 8 ग्राम। व्हाट इज बच्चा है, देखो ये मास इंडिपेंडेंट है, आप कोई भी मास ले लो, 10 ग्राम ले लो, 1 kg का ले लो, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन आप सबको पता है, डिराइव किए हुए टाइम पीरियड रिवोल्यूशन 84 मिनट्स आता है। 84 मिनट्स मतलब एक 1 आवर, 1 आवर 24 मिनट्स, मतलब बी ऑप्शन सही है, ठीक है। अभी कहोगे अब हाँ मन ही मन कुछ बोल रहे होगे कि मैं तो नहीं किया है वो, तो चलो नहीं किए तो कर देते हैं। बहुत फेमस सवाल है यार, और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। तो चलो अगर मान लो ये अर्थ का सेंटर है, और अर्थ के सेंटर पे यहाँ एक बॉल है, और इस बॉल को मैं ड्रॉप कर दूँ ऐसे। तो अगर मैं बॉल को ड्रॉप करता हूँ, तो जब मैं बॉल, ये अर्थ है और ये टनल क्रिएट कर दिया, और ये टनल का सेंटर है जो अर्थ की सेंटर है, यहाँ पर बॉल ड्रॉप किया हूँ, तो जब बॉल यहाँ पर है भाई, तो ये जो है एक सर्कल बना लेता हूँ, तो जब बॉल यहाँ पर है तो उसके ऊपर एक ही फोर्स लगेगा, एम जी डैश, यहाँ पर जितनी एम जी होगी। बात समझ में आ रहा, जी तो सरफेस पे थे नहीं, तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा उसके पास, फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फील्ड मल्टीप्लाइड बाई मास, दैट इज मस्ट बी इक्वल टू एम जी। तो एम ने एम को काट दिया, तो यहाँ से मतलब आ गया कि जो जी, यहाँ जी डैश है, वही इसको एक्सलेट कराएगा। तो इसको मैं एम ए एक्सलेशन लिख देता हूँ, क्योंकि एक्सलेशन ही है। तो यहाँ से एक्सलेशन की वैल्यू जो है वो ग्रेविटेशनल फील्ड के अपोजिट आ गई, और फील्ड नीचे है, समझ रहे हो ना। फील्ड यहाँ पर तुम देखोगे तो फील्ड की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये डिस्टेंस किसी इंस्टेंट एक्स है, ठीक है, और ये रेडियस आर है। तो आर डिस्टेंस पे जो ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, आई होप कि सबको याद होगा फार्मूला, जी मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर, और यहाँ पे आर की पावर की, और डिस्टेंस एक्स, और माइनस साइन इसलिए लगा देता हूँ क्योंकि ये वाला जो एक्सलेशन है डिस्प्लेसमेंट के एक्स के अपोजिट है। तो यहाँ से तुम अब SHM में चले जाओ, SHM में चले जाओ, इस इक्वेशन को ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से कंपेयर करो, तो ओमेगा की जो वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी जी एम ओवर आर की पावर क्यू, और जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर अपन आर की पावर क्यू। तो यहाँ से आ जाएगा जी ओवर आर ये वाला। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2π t, अब यहाँ से, और ये जी अपन आर अंडर रूट। तो टाइम पीरियड की जो वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 2π r/g अंडर रूट, जो कि किसी भी बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा है, और न ही ये किसी एंगल पे डिपेंड कर रहा है, ये सारी चीज़ें। तो ये जो टाइम पीरियड है, दिस इज टाइम पीरियड 2π r/g अंडर रूट। अब सबकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो 2π 3.14 रखोगे, और रेडियस की वैल्यू 6400 किलोमीटर रखोगे, मतलब 10³ मीटर, डिवाइड कर दोगे, जी की वैल्यू 10 है, 10 मीटर पर, सब कुछ अंडर रूट, तो ये सब कुछ अंडर रूट। तो जब ये डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू लगभग लगभग आ जाती है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 5024 सेकेंड, या 1 आवर 24 मिनट्स के इक्वल आ जाएगी, मतलब अपना थर्ड ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन सही है। बात आ रहा समझ में। अगर तुम ऐसे नहीं देखोगे इसको, तो ये बहुत बार SHM में आता है, यहाँ भी आता है, तो इसका आंसर याद होना चाहिए, और ये काफ़ी जगह यूज होता है यार। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।